टेर स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे इक्लिब्रियम साम्यावस्था साम्यावस्था में केमिकल इक्लिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था फिजिकल इक्लिब्रियम भी होता है जैसे सॉलिड लिक्विड आइस और वाटर बर्फ और जल में लिक्विड और वेपर जल और जल वाश इसके एग्जाम्पल में आएंगे सॉलिड गैस जैसे आयोडीन कपूर आयोडीन कैम्फर ये ठोस और गैसी अवस्था में रहते हैं तो यहाँ हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे केवल रासायनिक साम्य अवस्था केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो इर रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ऐसे रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में एक दिशा में होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं यानी जो जिनमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाए लेकिन उत्पाद फिर अभिकारक ना बना पाए ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं यानी दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली एंड प्रोसीड टू ऑलमोस्ट कंप्लीशन आर कॉल्ड इिवर्सेबल रिएक्शन यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशाएं में होती हैं और पूर्ण होती हैं वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं तो इन रिएक्शंस में भी कई रिएक्शंस हैं उसमें बहुत सारे हैं जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है लेकिन ये रिएक्शन जो है ओपन वेसल में खुले पात्र में होनी चाहिए अगर यह क्लोज कंटेनर में होगी तो क्लोज कंटेनर में यह रिएक्शन रिवर्सबल हो सकती है तो ये रिएक्शन ओपन वेसल में जो है ये इिवर्सेबल होती है तो इसमें जो है हीट करके इसको अपघटित कर रहे हैं डिकम्पोज कर रहे हैं तो इसको तापी अपघटन में रख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ये तापीय अपघटन के अंतर्गत आएगी जो है इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जैसे कोई भी बेस किसी एसिड से रिएक्शन करे तो साल्ट और वाटर बनाता है तो यह भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है कोई क्षार किसी अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो ये अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय है यहां पे अम्ल और क्षार का एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो इन रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया इनको कहते हैं इसी तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और औक्षेपण अभिक्रियाएं भी होती हैं वो भी इरिवर्सिबल होती हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाएं, सिल्वर नाइट्रेट विलियन में पोटेशियम क्लोराइड विलियन मिलाएं, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट इसका अवक्षेप प्राप्त होता है तो ऐसे रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन औक्षेपण अभिक्रियाएं है। कहलाती हैं तो अव्छेपण अभिक्रिया भी जो है एक तरह की इिवर्सेबल रिएक्शन है इसी तरह से कुछ रेडॉक्स रिएक्शन जैसे सी कार्बन को या कोल को बर्न करें सी ओ टू फॉर्म हो ठीक यहां पे ऑक्सीडेशन है तो ये सीकरण की क्रिया है तो ये भी इिवर्सिबल है अनुत्क्रमणी अभिक्रिया है तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक डायरेक्शन में होती हैं, एक दिशा में होती हैं और लगभग पूर्ण होती हैं। उन अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं यानी सच रिएक्शंस विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली एंड प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन आर कॉल्ड इिवर्सबल रिएक्शन और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कभी भी इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं शो करेंगी कभी भी साम्य अवस्था जो है वो नहीं प्रदर्शित करेंगी तो इसमें इ रिवर्सिबल रिएक्शन के ये टाइप्स हैं प्रकार हैं जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ये खुले पात्र में ओपन वेसल में बंद पात्र में ये रिवर्सिबल होगी उत्क्रमणीय। उदासीनीकरण अभिक्रिया एसिड और बेस की अम्ल और क्षार की औक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसमें प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी जनरली ओपन कंटेनर में खुले पात्र में होती है तो ऐसी अभिक्रियाएं अन अभिक्रियाएं या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं अब नेक्स्ट आइए रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो ऐसे रिएक्शंस जो अग्रवाप पश दोनों दिशाएं दिशाओं में होती हैं और ये अभिक्रियाएं कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं उत्क्रमणीय रिए अभिक्रियाएं कहलाती हैं यानी सच रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन एंड नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन आर नोन एज रिवर्सेबल रिएक्शन यानि इन अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट अभिकारक और उत्पाद प्रोडक्ट तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगी उसको फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अविक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होगी उसको पश अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे यानी ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में और बैकवर्ड डायरेक्शन में पश्च दिशा में दोनों दिशाओं में होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं है, कहलाती हैं यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अभिकारक रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाने की कैपेसिटी रखता हो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहेंगे और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती कभी ये पूर्ण नहीं होती ये सदैव इक्विलिब्रियम में हमेशा साम्यावस्था में रहती हैं एक निश्चित ताप पर और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो है डबल हेडेड एरो दोनों तरफ तीर का चिन्ह जो है लगा करके इनको प्रदर्शित किया जाता है जैसे क्लोज वेसल में बंद पात्र में जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की रिएक्शन इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके एच आई बनाएंगे और एच आई फिर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बनाने की कैपेसिटी रखता है तो निश्चित ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है इसमें कुछ समय के बाद पहले स्टार्टिंग में अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन लें तो ये रिएक्शन करके एच आई बनाएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ समय के बाद क्या होगा एच आई जो बनेगा वो वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जितना हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके एच आई बनाएगा उतना ही एच आई उतने ही टाइम में जो है एच टू और आई टू बना देगा यानी रिएक्टेंट अभिकारक हाइड्रोजन और आयोडीन और प्रोडक्ट उत्पाद एच आई इसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और टाइम के साथ नहीं चेंज होती वो रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है और ये दोनों साइड से अचीव की जा सकती है साम्यावस्था जो है वो दोनों तरफ से प्राप्त की जा सकती है यानी हम H2 टू और आई टू की रिएक्शन से स्टार्ट करके या एच आई से स्टार्ट करके दोनों तरफ से स्टार्ट करके जो है हम वो साम्यावस्था इक्लिब्रियम को प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हैं सभी गैशिय फेज में पी सी एल फाइव ये पी सी एल थ्री और सी एल टू में ब्रेक होता है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री एन टू प्लस ओ टू टू एन ओ ये सब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है रिएक्शन होती हैं अब इसकी जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायग्राम में रासायनिक अवस्था को या ग्राफ से कैसे शो करेंगे अब उसको देखिए मान लीजिए एक रिएक्शन जो है ए और बी के बीच हो रही है और ये इक्लिब्रियम में है साम्य अवस्था पर किसी एक निश्चित ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्थिर ताप पर यह साम्य अवस्था में है तो इसको जब हम ग्राफ से शो करेंगे तो ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन और टाइम समय और सांद्रता इसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको तीन तरह से शो किया जा सकता है पहला तरीका यहां पर ए की कंसेंट्रेशन है तो ए की ये टाइम जीरो है तो ये कंसेंट्रेशन और ये जीरो टाइम पे है। तो यहां देखिए जैसे जैसे रिएक्शन ए बी में कन्वर्ट होगा तो ये ए के लिए ए की सांद्रता को व्यक्त कर रहा है और ये बी की सांद्रता को ये ए की कंसंट्रेशन और ये बी की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है तो इसमें जैस और ये ए जीरो जीरो का मतलब जीरो टाइम पे प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसेंट्रेशन तो पहले क्या होगा ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी ये ए की कंसंट्रेशन का चेंज और बी की कंसंट्रेशन का चेंज ए की कंसंट्रेशन घट रही है बी की जो है बढ़ रही है तो इसमें डिक्रीज और इसमें इंक्रीज क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा ये लाइन क्या हो जाएगी ओरिजेंटल छैतीस तो यही पोजीशन जो है वो इक्लिब्रियम साम्यावस्था की स्थिति को प्रदर्शित करेगा दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इस तरह से इसमें भी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच इसी रिएक्शन के लिए है यहाँ पर ये यह ए की प्रारंभिक सांद्रता और ये बी की कंसंट्रेशन के लिए है और ये ए की कंसंट्रेशन के लिए ए की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और बी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी और इस पॉइंट पर आकर के ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी स्थिर हो जाएगी यानी अब चेंज नहीं होगी तो ये यह यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है और यहां पर ए और बी की कंसेंट्रेशन इक्वल है तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है इक्विब्रियम कैसे हो सकता है इस तरह से <coughs> ये ए की इनिशियल कंसंट्रेशन और ये हॉरिजेंटल लाइन है यहां पे ये हॉरिजेंटल छैतीस लाइन है ए की सांद्रता को किसी टाइम पे शो कर रहा है और ये बी तो यहां ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है इस टाइम पर ए और बी ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन दोनों की सांद्रता क्या हो जाती है कॉन्स्टेंट हो जाती है और टाइम के साथ नहीं बदलती तो ये पोजीशन उसकी इक्लेब्रियम की पोजीशन को शो करता है यानी यह रिएक्शन इक्लेब्रियम में है तो ये तीनों ग्राफ जो है सांद्रता और टाइम के बीच है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच खींचा गया है <coughs> तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यहां पे होता क्या है कि जब इक्लिब्रियम अटेंड होती है साम्य अवस्था प्राप्त होती है तो अग्र अभिक्रिया की दर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो रेट के लिए आर और सफिक्स में एफ लिखेंगे फॉरवर्ड ये रेट ऑफ बैकवर्ड आर रेट के लिए सफिक्स में भी जो है बैकवर्ड के लिए तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश अभिक्रिया की दर जो होती है वो बराबर हो जाती है और देखने में लगेगा कि ये रिएक्शन रुकी हुई है स्टैटिक है स्थिर हो गई है लेकिन ऐसा नहीं होता ये अभिक्रिया गतिक होती है डायनेमिक होती है रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड अग्र और पश्च अभिक्रियाएं दोनों चलती रहती हैं और दोनों ही पूर्ण वेग से होती रहती हैं। एक निश्चित समय में ए की जितनी अमाउंट बी में चेंज होती है उतनी ही अमाउंट बी की उतने ही समय में ए में चेंज हो जाती है यानी रिएक्शन रुकी हुई नहीं रहती है बल्कि एक तरह से दोनों डायरेक्शन में पूर्ण वेग से अपनी फुल वेलोसिटी से या मैक्सिमम वेलोसिटी जो उसकी हो सकती है या जो उसका रेट हो सकता है उससे चलती रहती है <coughs> अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स <coughs> रासायनिक साम्यावस्था की विशेषताएँ <coughs> पहली चीज इसमें कि इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता किसकी <coughs> अविकारक और उत्पाद की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यह क्या हो जाती है कांस्टेंट, स्थिर हो जाती है और समय के साथ नहीं बदलती तो रासायनिक साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं दूसरी विशेषता साम्यावस्था पर एटिक्लीबरियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये इक्वल हो जाता है अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग या अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक तीसरी विशेषता इक्लेब्रियम जो होता है वो गतिक होता है डायनेमिक होता है यानी एट एक्म साम्यावस्था में दोनों रिएक्शन अग्र और पश फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पूर्ण वेग से होती रहती हैं। देखने में लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है लेकिन ऐसा होगा नहीं बल्कि अभिक्रिया चलती रहती है चौथी चीज कि एक्लिब्रियम जो है वो दोनों तरफ से यानि अभिकारकों और उत्पादों दोनों की तरफ से जो है वो प्राप्त की जा सकती है नी इक्लिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि केवल हम रिएक्टेंट से ही शुरू करेंगे यानी लेफ्ट साइड से तभी जो है वो इक्लिब्रियम होगी <coughs> पांचवी चीज इसमें अगर इसमें कंडीशन चेंज की जाए इक्लेबरियम की यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर दाब वॉल्यूम आयतन और कंसेंट्रेशन सांद्रता। यानी अगर परिस्थितियों में कंडीशन में जो है चेंज किया जाए तो उसमें जो है प्रेशर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इन तीनों के चेंज करने पर जो है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता जो है सांद्रता किसकी अभिकारक या उत्पाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ये चेंज हो सकती है लेकिन इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट साम्य स्थिरांक साम्य स्थिरांक जो है वो केवल टेम्परेचर के चेंज होने पर ही चेंज होगा प्रेशर वॉल्यूम कंसेंट्रेशन में चेंज करने पर यानी उसकी कंडीशन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अविकारक और उत्पाद की कंसेंट्रेशन सांद्रता तो बदल सकती है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा इसमें लेकिन टेम्परेचर को चेंज करने पर इक्लिब्रियम चेंज हो जाएगा साम्यावस्था की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी जबकि इस कंडीशन में साम्य स्थिरांक का मान इसमें साम्य स्थिरांक का मान बदल जाएगा इसमें साम्य स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहेगा ये बहुविकल्पी के प्रश्नों में पूछा जाता है सिक्स कैरेक्टरिस्टिक छठी विशेषता ये होती है कि साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन फ्री एनर्जी चेंज इसको डेल्टा जी से लिखते हैं इसको गिप्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं गिप्स मुक्त ऊर्जा भी कहते, में परिवर्तन भी कहते हैं तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है सातवें कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये अवस्था जो है या ये इक्लेबरियम ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों सिस्टम शो करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यानी समांग और विषमांग दोनों निकाय साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं आठवीं कैरेक्टरिस्टिक्स की यह है कि कैटेलिस्ट उत्प्रेरक कैटेलिस्ट जो है वो रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति को परिवर्तित नहीं करता यानी जो साम्य स्थिरांक है उसके मान में परिवर्तन नहीं करता उत्प्रेरक जो है वो इक्लिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता इतना हो सकता है कि इक्लिब्रियम पहले आ जाए पहले अटेंड कर ले उसमें साम्य अवस्था प्राप्त करने में यानी इक्लेबरियम अटेंड करने में जो टाइम लगता है उसको ये कम कर सकता है जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और साम्य अवस्था जो है ये इस तरफ टाइम समय और इधर सांद्रता है तो इस टाइम पर इस समय पर जो है साम्य अवस्था प्राप्त होती है इतना हो सकता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह जो साम्यावस्था प्राप्त होने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाए यानी अब इक्विलिब्रियम जो है इतने ही टाइम में प्राप्त हो जाए यानी रिएक्शन यहां पे इक्विलिब्रियम ना प्राप्त होकर के साम्यावस्था यहीं पर मिल जाएगी हमको तो ये साम्य अवस्था प्राप्त होने में लगने वाले समय को डिक्रीज कर सकता है घटा देता है यानी जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मतलब जिस दर से ये फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उसी दर से बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा उसी रेट से ये बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाता है यानी कैटालिस्ट जो है वो इक्वेबरियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता है और नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्वेबरियम रासायनिक साम्यावस्था केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पाई जाती है केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही पाई जा सकती है लास्ट टेंथ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसके बीच डबल हैडेड एरो लगा करके शो करते हैं अभिकारक और उत्पाद के बीच जो है इसको हम दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं अब इसमें ये कैसे प्रूफ करेंगे कि इक्लिब्रियम जो है वो डायनेमिक होता है इसको कैसे प्रूफ करेंगे साम्यावस्था गतिक होती है इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा तो देखिए साम्यावस्था गतिक होती है इसको कैसे सिद्ध करेंगे तो इसमें दो एक्सपेरिमेंट है दो प्रयोगों से ये सिद्ध कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में कैडमियम क्लोराइड अम्ली माध्यम में कैडमियम क्लोराइड के सल्यूशन में इसके विलयन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो H2S गैस प्रवाहित करने पर कैडमियम सल्फाइड इसका पीला अवक्षेप मिलता है इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है और ये अभिक्रिया होती है अब इसमें हम थोड़ा सा एच सी एल मिलाते हैं एच सी एल क्या करें इसमें ऐड करते हैं इसमें मिला दें तो ये पाया जाता है कि पीला अवक्षेप जो है वो घुल जाता है येलो प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाता है क्यों इसकी कंसंट्रेशन एच सी एल की सांद्रता बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है अभिक्रिया पश्च दिशा में होने लगती है अब इस रिएक्शन में यानी एच मिलाने के बाद जब ये प्रेसिपिटेट घुल गया तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करके वाटर ऐड कर दें और फिर से इसमें H2S गैस पास करें तो फिर से येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है फिर से पुनः पीला और छेप आ जाता है तो ये शो करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी जब हमने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी इसकी सांद्रता बढ़ा दी तो रिएक्शन इधर होने लगी जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन इधर होने लगी ये शो करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव कर सकते हैं बेस्मत क्लोराइड इसमें जो है एसिडिक मीडियम में बिस्मत क्लोराइड को जब हम वाटर में घोलते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट जो है पारदर्शी विलयन प्राप्त होता है इसमें जो है वाटर ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो ये मिल्की प्रेसिपिटेट दूधिया और छेप आ जाता है और जब ये दूधिया और छेप आ जाता है तो इसके बाद जब हम इसमें फिर एस मिलाते हैं तो ये मिल्की प्रेसिपिटेट फिर से डिसपियर हो जाता है ये फिर से हट जाता है और फिर पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल जाता है तो यहाँ क्या हुआ हमने रिएक्टेंट अभिकारक की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन अग्र दिशा में होने लगी और जब हमने प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ाई उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगी तो ये शो करता है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इक्विप्रियम डायनेमिक होता है ठीक अगर हम एक चेंज कर देंगे तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी अदरवाइज वो कांस्टेंट रहेगी देखने में लगेगा कि रिएक्शन रुकी है लेकिन ऐसा होता नहीं है इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो